पाकिस्तान भी शिफ्ट हो गया था। हाँ जरा स्कूटियाँ मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं अपने कजन की ना ड्रेस देखे थे उस जमाने के दरवाजे सॉरी दरवाजे बोल रहा हूँ। आखिरकार देखो क्या लिखा सर, जाए जाए डर रहा अभी यार क्या करो। वालेकुम गाइस, सबका क्या हाल है? सब ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे गाइस। बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम से आया हूँ तो गाड़ी आपको पता है अब्बू अम्मी पाकिस्तान के, शायद मैंने बताया पिछले व्लॉग में, तो उनकी गाड़ी इधर ही पापा की खड़ी थी। मैंने कहा इसको स्टार्ट करते हैं, मैं चला रहा नहीं हूँ, भाई के साथ ही काम पर जाता हूँ, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं की मैंने। तो आज पूरे एक दो हफ्ते बाद गाड़ी स्टार्ट करने लगा मैं, तो मैंने कहा इसको स्टार्ट करते हैं और मैं जा रहा हूँ दोस्तों के पास। आज इंशाल्लाह हम लोग जाएँगे फुल पलट जाएँगे, इंशाल्लाह पुराना एरिया फिरेंगे, आपको साथ लेके जाएंगे, व्लॉग बनाएंगे, साथ खाना भी साथ खाएंगे दोस्तों के। तो इस दफ़ा नए दोस्त हैं माशाल्लाह मेरे, वो कभी व्लॉग में नहीं आए, होते थे साथ लेकिन वो कभी व्लॉग में नहीं आए, उन्होंने बोला हमें व्लॉग में नहीं आना, लेकिन इस दफ़ा बोलते यार हम लोग लाजमी व्लॉग में आएंगे। तो मैंने कहा चलो, तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं खड़ी गाड़ी, फिर निकलते हैं। पहले पानी वगैरह चेक कर लो, एक दो हफ्ते हो गए खड़ी है तो अच्छी बात नहीं है। चलिए मैं दोस्तों के पास पहुंच गया हूं और वन एंड ओनली मेरा दोस्त है दाऊद। आप इसको शायद नाम सुना होगा, शायद आप लोग कभी कभी बोलता होता था क्योंकि ये तो कभी कैमरे में आता नहीं था, पाकिस्तान भी शिफ्ट हो गया था और ये इसका कजन है माशाल्लाह। ये तो कल पर दो हफ्ते हो गया ना, मैं तीन को आया, तीन हफ्ते हो गए माशाल्लाह। ये भी व्लॉगिंग अभी शुरू किया ना? बिल्कुल, इन्होंने भी व्लॉगिंग शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग जा रहे हैं प्लान का बलद जाने का, हिस्टोरिकल जगह जाएंगे, तो मैंने कहा इनको साथ लेके चलते गाइस। और कैसा एक्सपीरियंस रहा तीन हफ्तों में? नहीं माशाल्लाह से यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो बीच देखा है तो माशाल्लाह से एक्सपीरियंस अच्छा है। अभी चला भला, हम लोग पूरा एक्सपीरियंस हो गया, खत्म करो अभी एक्सपीरियंस, खत्म करो यार, एक मिनट से ऊपर हो गया, खत्म सारे हम समझ गए। चलो अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं आपको बलत में जाके मिलते हैं। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बलत में आ गए हैं, बाद में अभी खड़ी की है हम लोग, आए हैं हेमल सेंटर, तुम्हें तो पता ही होगा। ये तो पता ही, इनको पता ही था भाई, ये मैम उस सेंटर का पार्किंग रोड है। अच्छा जी, मैं अभी फर्स्ट टाइम आया हूं गाइस, तो मैं तो अंदर विजिट करने लगा, तो देखते हैं। ये देखिए, सो गाइस हम एक कॉफी शॉप है, कॉफी शॉप है, देखो आगे जाके कपड़ों की दुकानें वगैरह सब कुछ है यहां पे, देख सकते हैं गाइस। तो आज ये व्लॉगिंग शुरू की इसने, आज हम आ गए हमजा भाई के व्लॉग में, आज हमने कहा हम बनाएं इनको, देखा देखा कभी शायद मैंने व्लॉग बनाई हो इसमें इधर कभी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ शायद कब बनाई थी। तो अभी घूमते हैं, अभी जाएंगे हम लोग बाहर, यहाँ पे हम इसलिए गाड़ी खड़ी की, हमें जाना है ये हिस्टोरिकल जगह में बाहर, हम एलिवेटर में घूम रहे हैं, एलिवेटर में घूम रहे हैं हम गाइस। अगर ये बनेगा अभी ठीक है तो आपको हम फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस व्यू, ये दिखा रहा आप करीब जाके व्यू दिखा रहा, चेक करें चेक करेंगे। ओके गाइस फिर हम आवे मिलते हैं, रख ले हूं जरा ओल्ड बलद है, तो अच्छा लगा आप लोगों को ना ओल्ड। अभी तो थोड़ा सा जगह दिखा रहा हूं, अभी मैं आगे जाऊंगा इनको लेके जाऊंगा गाइस। मैंने तो ये जगह देखी हुई है, मैंने तो गाइस वैसे ये जगह नहीं देखी, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं और माशाल्लाह से मुझे बहुत। और ये है आई थिंक सो 90s 80s से भी पहले की है जगह, ओह अच्छा बहुत जगह नहीं है। अभी आपको और आगे दिखाता हूं, आगे जाके चलते चलो गाइस। ये 1930 का है, पहले ये पूरा यहाँ पे होता था, बिल्डिंग टाइप ऐसी होती थी पूरी, 1930 में यहाँ गेट था, अंदर जाते थे लोग, 1930 में गाड़ियाँ भी नहीं थी तेरे को पता, ये लोग घोड़े में जाते होंगे। ये जो उस टाइम 1930 का ये बना हुआ, ये हिस्टोरिकल जगह है 1930 का, मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन मैंने अभी ना सीख, जब लोगों से पूछ के और प्लस इसका जो हिस्ट्री है मुझे सारी निकाली थी मैंने, तो अभी यहाँ अंदर जा रहे हो गाइस। शायद आपको भी नहीं पता होगा ये 1930 का गेट, देखें बस ये बचा अभी। इधर तो शाहरुख खान की मूवी भी बनी, मैंने आपको बताना भूल गया, वो उस तरफ बनी थी मूवी उनकी, याद है मुझे अभी, इधर शाहरुख खान की तो मूवी भी बनी थी। तो बस आप देख सकते हैं वो मस्जिद भी बहुत पुरानी, कितने पुरानी बिल्डिंग है, कभी मैंने आपको गाइस बताया नहीं है, मैं आता था सिर्फ तो वीडियो बनाता था, लेकिन आप देख सकते हैं वो सामने भी 1930 की 1930 अंदर शॉपिंग करने के लड़के, तो फिर यहाँ से निकलते हैं आगे देखते हैं। थक गया था, ये शॉपिंग थोड़ी की है लोगों ने, बाकी अधिक स्कूटी की करनी दिखाना जरा स्कूटियाँ गाइस। ये देखें हम इस टाइम, ये मैप है इधर का, देख सकते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ लोगों ने फेस्टिवल लगाए हुए अपने, देख सकते हैं आप
देखो ऐसा लगता है पुराने जमाने का, उस जमाने का है, उन्होंने डिजाइन ही ऐसा बनाया है कि लगता है कि उस जमाने का ही है। ये देखिए गाइस, आप पूरा देख सकते हैं कि लगता भी ऐसा पूरे जमाने का है। दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा पुराना एरिया है। मैं आपको कभी लगता है मैंने पिछले व्लॉग बनाई भी या नहीं बनाई है, लेकिन उस तरफ की बनाई, इस तरफ की मैंने कभी भी नहीं व्लॉग बनाई है। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ये वो उस जमाने का पुराना एरिया है। खड़ियाँ देख सकते हो कितना पुराना है ये। एक तरीके की म्यूजियम में आगे पुरानी चीज़ें बता रहे हैं, शायद एक म्यूजियम ही है, मुझे नहीं पता क्योंकि बाहर लिखा नहीं था। तो ये देखें, ये जो बनाते हैं आई थिंक सर, डोंट टच प्लीज। ओके गाइस, मैं सिर्फ यहाँ देख के डर रहा हूँ, यहाँ पीछे कुछ नहीं दिख रहा है ना भाई, मैं डर गया। मैंने कहा पता नहीं यहाँ पे अंदर क्या होगा भाई, हम निकले निकलो भाई, डर लग गया देख के, जैसे ताला लगा हुआ है भाई। यहाँ पे लाइटें बंद हो जाए, बंदा ही ना हो को क्या बोलते हैं उस जमाने का ना, वो लिखा हुआ है ना, देखो यार कितनी अच्छी जगह, कसम से गाइस वाह। जैसे कि मैंने देखो खिड़की रखी हुई है उन्होंने, उसमें लाइट लगाई हुई है दिखाने के लिए कितनी पुरानी है। कजन की ना ड्रेसिंग दिखाता हूँ, बेचारे का टेंशन बन गया, अभी लोग देख रहे हैं। ये आया सऊदी अरब, अच्छा तो लगा कहते यार मैंने ना तोप लेनी है, दूर खड़ा रहा। इसने कहा कि यार मैंने ना तोप लेनी है, तोप ठीक है हमजा भाई, इसने कहा यार तोप लेनी है। मैं कहा यार सब्र कर जा, किस दिन फ्री होंगे ना इकट्ठे जाएंगे तुझे पूरी ड्रेसिंग। और इसको जाके ले आया, और ये ना भाई खुद जाके अकेला दिखा दे, दिखा दे गाइस। अब आपको मुझे भी सब्र नहीं हो रहा, दिखा दे। और अब इसकी हम ड्रेसिंग दिखाते हैं, हमें इतनी हंसी आ रही था, लोग इसको देख के इतने हंस रहे, इतने गौर से देख रहे हैं। इसको भी यहाँ म्यूजियम के पास खड़ा कर दो, हम आपको गाइस का दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, इतनी भी छोटी नहीं है जितना तूने इसको तंग किया हुआ यार। इधर देख भाई, मैं इसके साथ हूँ गाइस, मैं इसके साथ हूँ, आप कमेंट करना, मैं इसके साथ हूँ भाई। जाना आपको बोला भाई, जरा आपको बोला भी था मैंने कि मेरे साथ जाना, तो मैं आना। आप देखो इधर लोग देख के आप देखो बोला था ना आपको, मुझे यार मुझे काले रंग का तोप जो है ना वो जरा लंबे साइज में यहाँ से आगे चलते बंद करो। ओके ओके गाइस, चलो आगे चलो गाइस। देख सकते उस जमाने के दरवाजे ये उस जमाने के दरवाजे देख, ये भी, और ये तो आर्ट बनाया ना एक तरीके का, लेकिन उस जमाने के दरवाजे देखो गाइस। बाहर से आए हैं सारे, देखो टूरिज्म आए हुए, देखा बाहर से भाई सारे। मैंने ज्यादातर ना वैसे मैंने जो है ना बलद में मोस्टली जो है ना मैंने पे टूरिस्ट जो है ना कितना उन्होंने प्यारा बनाया है। इस जगह में कभी मैं आया नहीं हूँ, दूसरी जगह व्लॉग बनाई थी हम लोगों ने, तो आप देख सकते हो। वाओ गाइस, भाई कैसा लगा आपको बताओ यार, उस जमाने का भाई, उस जमाने का बहुत अच्छा है। बस मुझे अपनी टेंशन लगी ये कि मुझे ना कुछ नहीं काला तोप मुझे मिल जाए ये भाई, टेंशन ना ले, कोई तेरे को नहीं देख रहा जो है ना पहन के बैठा हूँ। कुछ नहीं कुछ नहीं यार, अच्छी जगह यार, अच्छी जगह यार, कसम से वाओ। तो टेंशन ना ले, इसको तोप की टेंशन है भाई। बैठने की जगह देखा कितनी प्यारी बनाई है उन्होंने, बैठने की जगह देखे भाई। मेरे आगे क्यों आ रहे दोनों, अंदर कोई नहीं जा सकता, देख उसी से बैठी हुआ ये रखवाली है, ये ना यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड है। अंदर गिरता ना तो पागल से नहीं है, गिरता भी अंदर, देखिए अभी अंदर गिरता भी है। दाऊद बच गया भाई, चलो चले तस्वीरें क्यों खींच रहे लोग। लगे हुए उससे पूछ रहे कि ये कैसा लग रहा है, वाह भाई वाह। ये देखो उनसे पूछ रहे कि ये कैसा लग रहा है, तो ये अजीब बंदे है कसम से। चलो गाइस तब तक ये आपको दिखाते हैं, ये देखें कितने पुराना इन्होंने सारा टूटा हुआ है, देखें अगर आप देख सकते हैं। वाह ये तो लगता है घिरने लगी थी इसलिए उन्होंने किया ऐसे, अभी भी लगे हुए हैं देखो गाइस इनको।
लोगों से पूछ रहे हैं कि मैं कैसे लग रहा हूँ। आखिरकार देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बंद है शायद, मुताम पाकिस्तानी। इसको कुछ हुआ हुआ यार, ये हर एक बंदे से क्यों पूछ रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ यार। ये भी अजीब बंदा है यार, ये लड़कियां इसको देख के ना हंस रही है ना, तो इसे लग रहा है कि यार वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये लड़कों के पास जाता है वो इसकी सही बेइज्जती करती है। ये देख यार, ये भी छप यार, चल निकले हम लोग यार, ये तो कितने बंदों को रोकेगा यार, एक कसम से। काफी लोग ओके भाई जा रहे हैं यार, इसको समझा ले भाई। क्या यार अजीब बंदा है यार ये भाई, रोड दिखा यार, यहाँ चले यहाँ चले, कुछ समझ आ रही गाइस। देखे ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है यार, अभी लगता खत्म हो गया, चेंज हो गया यार, वही ना तेरे, तू जब से गया उसके बाद चेंज हो गया भाई। भाई अभी तीसरे बंदे को रोक रहे हैं भाई, उसके बेचारे को जाने दो भाई जी, उनको जाने दो, जाने दो उनको, सर जी जाए जाए छोड़े यार, क्या कर रहे हो तुम दोनों यार, कसम से यार। अरे भैया क्या कर रहे हो, पागल हो गया यार ये, तुम दोनों भी अजीब बंदे। शौक था बड़ा, तो भी नहीं पहन तो यार अच्छा लग रहा तू यार, ये कह रहा है ये भी नहीं अच्छा लग रहा, ये भी कह रहा तो अभी छोटी है भाई, कुछ नहीं चले चलिए अल्लाह चले। गाइस इनका झगड़ा चल रहा है अभी यार, क्या कर रहा पागल है, झगड़ा क्यों कर रहा है तू यार, जब से हम बलद में आई ये टोपी ठीक कर रहा है, फिर एक टोपी इसकी छोटी पड़ गई, कम से हमने वीडियो कम बनाई होगी इसकी, वीडियो ज्यादा बना दी हमने आज के चक्कर में, भाई थक गए कसम से। अभी तो भाई चलो, मुझे भूख लगी है भाई, सीधी बात है चले, अभी अभी भी तेरे को 2-3 घंटे लगाने इधर। नहीं नहीं चलते, देख पीछे कितनी हिस्टोरिकल जगह यार, देख यार जगह कितनी खिड़कियां, देखो जमाने की। अभी देख अभी ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है भाई, प्लीज ठीक लग रहा है, चलो चले। भाई ये पर्दा क्यों लगा है, समझ नहीं आई मुझे भाई, लगता है खोलने लगे हैं क्या लोग, तो वहां तो सीधे खिंचवा रहे हैं, हमें तो लेट हो रहे हैं ना, हमें खाने के लिए जाना है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख भूख भूख। चलो अभी भाई जा रहे हैं हम लोग, चले हमें कम से कम आधा घंटा हो गया, हम रास्ता भूल गए, एक बंदे से पूछा उसने गलत रास्ता बताया, बस मैं और दाऊद बिस्मिल्लाह करके चल रहे हैं, सीधा ही चल रहे हैं, पता नहीं अब कहाँ पे हैं, कहाँ गए हम लोग, महमल सेंटर जाना है हमने, गाड़ी वहाँ खड़ी है हमारी कब से, तो भूख भी लगी हुई है, तो ढूंढते गाइस, हम ढूंढ रहे, देखते कब तक पहुँचते, फिर आपको हम लोग बताते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता गाइस पता नहीं हम लोग कहाँ पे आ गए, ये बंदे ने फंसा दिया मुझे। महमल सेंटर किधर है, इधर ही है रोड, जो रोड है आगे जो भाई उधर आगे कह रहे हैं, पता नहीं गाइस हम कहाँ फंसे। हाँ यार यार मैं फिलहाल ना आधा घंटा तो ऐसे ही हो गया भाई, फंसा दिए लोगों ने हमें। रोड दिखा, रोड दिख गया, यस यस यार वो सामने मेमोरियल सेंटर है यार, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, भाई कितनी देर बाद मिले, अंधेरे से निकले यहाँ से, ये दिखो जरा गाइस भाई, डरानी जगह यार, निकलो निकलो निकलो। गाड़ी ये खड़ी की हम लोगों ने, बस यहाँ से अभी हम लोग, हमने कहा चलो मुर्गी चावल खाते हैं, तो रोल वाली मुर्गी लेने लगे यहाँ से, माशाल्लाह बेस्ट है मसाले की मुर्गी, तो ये ले के फिर हम लोग इंशाल्लाह ग्राउंड में बैठ के खाएंगे गाइस, तो अभी ये लेने लगे। ये भी व्लॉग बना रहा है, इसने भी शुरू किया अभी गाइस, तब ये खाए हम लोग खाने लगे हैं, ये देखो देखो व्लॉगिंग में व्लॉगिंग चल रही है भाई। चलो गाइस हम खाना खाते हैं यहाँ, तो आपको जगह पता ही है ना, खाते हैं फिर आपसे बात। हम लोगों ने खाना खा लिया भाई, कैसा लगा खाना यार, खाना माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था ना, और आप भाई आप बताओ, माशाल्लाह यार।
गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर के नीचे आ गए, तो कैसा लगा, एंजॉय किया? मजा हां यार माशाल्लाह यार, बहुत एंजॉय किया मैंने, और थैंक यू यार आपने मुझे ये सरप्राइज किया, और मुझे यानी कि बस गाइस अभी हम लोग व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं, ये पाकिस्तान कल परसों चले जाएगा इंशाल्लाह, परसों और ये काम पे बिजी, मैं भी काम पे बिजी हो जाऊंगा। चलो गाइस फिर भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, पीएफपी साहब।